दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मोदी जी आपने वाड्रा के खिलाफ एफआईआर नहीं की, सोनिया के खिलाफ एफआईआर नहीं की, किसी घोटाले में एफआईआर नहीं की। केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि सारी जांच एजेंसी मोदी जी आपके अंडर में है, सीबीआई पुलिस एसीबी सबको आपने मेरे पीछे छोड़ रखा है। मोदी जी आपकी सीबीआई एसीबी वगैरह से हम नहीं डरते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वाड्रा और सोनिया के खिलाफ भी अलग अलग मामलों में जांच चल रही है, फिर चाहे वो हरियाणा में लैंड डील मामला हो या फिर नेशनल हेराल्ड मामला हो। असल में दिल्ली में वाटर टैंकर घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित दोनों से एसीबी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले की जांच सीबीआई या फिर एसीबी से कराने की मांग की थी, जिसके बाद उपराज्यपाल ने एसीबी जांच को मंजूरी दी थी। दिल्ली सरकार ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट भेजी थी, उसके तहत ये बोला गया था कि जो शीला दीक्षित जी की गवर्नमेंट थी उस दौरान वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में टेंडर्स हुए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें गड़बड़ियां थी और उसके तहत 400 करोड़ के आसपास एक स्कैम है, तो इनकी कार्रवाई की जाए। और उस बाद में एक कंप्लेंट मिली कि उसमें विजेंद्र गुप्ता जी ने कंप्लेंट दी, उन्होंने लिखा कि ये जांच रिपोर्ट जो है अगस्त में पुटअप हो गई थी अरविंद केजरीवाल जी को और उसके बावजूद उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस जांच रिपोर्ट को लेकर बैठे रहे और कॉन्ट्रैक्ट भी एस सच रहा और जो सेम सिस्टम रहा, इसलिए गवर्नमेंट को लॉस हुआ है। तो दोनों के करके हमने दोनों कंबाइन करके और एक एफआईआर दर्ज किए। वही इस मामले पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि हमारी पार्टी की जीत है और केजरीवाल की हार है, ये हमारी मॉरल विक्ट्री है और ये केजरीवाल जी की मॉरल डिफीट। किस तरह से उन्होंने करप्शन जीरो टॉलरेंस की बात की और कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर निकला कि वो खुद करप्शन को प्रमोट कर रहे थे, उनके मंत्री ने झूठ बोला कि पेमेंट हो गई थी, पेमेंट तो हर महीने की जा रही है, लगातार की जा रही है। इन्होंने एक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, एक कंपनी के खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस तक इशू नहीं किया। जब आपने पकड़ लिया 400 करोड़ के करप्शन को तो क्या रिले रेस है क्या? कौन सूत्रधार है दोनों शीला दीक्षित जी और केजरीवाल के बीच में कौन सूत्रधार है जो उन्होंने उनकी करप्शन को पास ओवर किया? ये करोड़ों रुपए का लेन देन ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी किया है, इसका मतलब साफ है। क्यों एग्रीमेंट को 11 महीने तक मुझे टेबल पर खड़ा होना पड़ा सदन के, क्योंकि हमारा नंबर नहीं है वहां और करप्शन के मामले को केजरीवाल जी वहां सामने बैठकर दबा रहे थे, हंसी में उड़ा रहे थे। ये और ब्रजेश लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या एसीबी से करने की मांग की थी, अब जब एसीबी को जांच सौंप दी गई है, एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो गई, तो अब फिर सीधा आरोप वापस से मोदी जी पर? देखिए दीपाली, इस समय बीजेपी जब केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो एक स्लोगन का इस्तेमाल कर रही है, ट्वीट एंड रन केजरीवाल। तो केजरीवाल हर एक मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, उसके बाद बगैर किसी सबूत देने के वो वहां से पीछे हट जाते हैं, चाहे एमएम खान के मर्डर के केस में आरोपी बनाना हो जो है महेश गिरी को या फिर दूसरे उसको, या फिर टैंकर घोटाले को लेकर के उन्होंने इससे पहले मोदी सरकार पर हमला बोला था कि शीला दीक्षित के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज करते, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अब सवाल ये कि एसीबी ने शीला दीक्षित और केजरीवाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, तो फिर केजरीवाल को समस्या क्या है? जांच होगी, जांच के बाद जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन दरअसल जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति कर रहे हैं, उनकी वो केवल विरोध की राजनीति कर रहे हैं, एलिगेशन की राजनीति कर रहे हैं, और यही वजह है कि एक के बाद एक वो ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर एक मामले में, छोटे छोटा या बड़े से बड़े मामला, कोई भी मामला हो, उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी रहते हैं। शायद इसी के बहाने वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और शायद यही उनकी राजनीति का अब केवल फलसफा रह गया है कि आप मामला कोई भी हो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करो और सुर्खियां बटोरो। बिल्कुल ब्रजेश, ये बात सही आपने कही कि ट्वीट हर बात पर करते हैं और सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश की जा रही है, अगर नहीं बटोरने की कोशिश करते तो शायद सीधे जवाब देते, ना कि हर बात पे ट्वीट करते। शुक्रिया ब्रजेश ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।